देखें जी, ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज है और ये इसका बड़ा ग्राउंड है, मेन ग्राउंड। और ये खूबसूरती चेक करें, खूबसूरती इधर बड़ी है। मतलब कि ये चीज़ जो हमने वॉशरूम भी देखें, टाइल्स लगा के बहुत अच्छी है। देखें ब्यूटी चेक करें, देखें ये सारी जो है ना अच्छी प्यारी खूबसूरती। आगे ये एक ऑफिस है और लोग लग गए, अभी मैं इधर से होके गया था, खुला हुआ था। ये देखें ये रूम्स हैं, यहाँ पेपर्स वगैरह होते हैं ये। एंड ये गवर्नमेंट कॉलेज, इधर फीमेल्स का सिस्टम है इधर, और इस साइड पे मेल्स का सिस्टम है। ये फीमेल, ये मेल की क्लासेस हैं, मतलब जेंट्स एंड फीमेल की वो पीछे क्लासेस है सारा। और मेरा इधर आना बहुत कम होता है इधर आना, क्योंकि मैं पंजाब कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो इधर बस चक्कर लगते रहते हैं कोई फॉर्म वगैरह टेस्ट करवाना हो गवर्नमेंट सर्वेंट से। तो ये खूबसूरत 5 फरवरी गुजरी है, कश्मीर डे। कुछ मेहनती लड़के बैठ के अपनी तलीम पर तवज्जो दे रहे हैं, पूरा कॉलेज खाली है, सारा घर गए हैं, कोई इधर नहीं है। पीछे से भी देखें, सारा कॉलेज खाली है, कोई नहीं है, सिर्फ ये मेहनती स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो घर से काम चोरी करके यहाँ बैठ के पढ़ने के लिए और स्टडी कर रहे हैं। जब थक जाएंगे तो इधर से रवाना होते होंगे। ये बस साइड पे खूबसूरती आप बस चेक करें, कॉलेज की कॉलेज खूबसूरत है, बड़ा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। ये मॉस्क है, मस्जिद, इधर की मस्जिद है, ये मस्जिद है सारी। इसके पीछे वॉशरूम बने हुए हैं और वो भी बड़े, मतलब कि एक वॉशरूम कहने का मतलब है, वॉशरूम वो चीज़ होती है जो कि अदारों की गंदी सी चीज़ होती है, लेकिन इन अदारों में वॉशरूम में भी टाइल्स लगा के इनको बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। मेरा मानना यह है कि आप किसी भी अदारे, मुल्क के अदारे में जाते हैं ना, तो आप पहले ना उनके वॉशरूम चेक करें, वॉशरूम कैसे हैं। अगर किसी के घर में जा रहे हैं, कहते हैं उनके वॉशरूम प्यारे हैं, क्लीन हैं, अगर प्यारे हैं क्लीन हैं तो आप उनके घर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर वॉशरूम ही नहीं ठीक तो बाकी जिस चीज़, बुरी चीज़ को अच्छा रखना चाहिए वो चीज़। पेड़ होते थे माल्टों के, ये देखें ये लगे हुए ना, यहाँ इतने ज़्यादा माल्टों के दरख्त होते थे, इतने ज़्यादा सारे माल्टों के दरख्त उखाड़ दिए हैं, तो मेरे ख्याल से वो लड़के पड़ जाते होंगे माल्टे तोड़ने के। ये कॉलेज है एंड ये हॉल है, कैजन समाली से कहते हैं, और ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा। मेरी बाइक उधर लगी है, ये देख लें। ओह अच्छा जी, आज मैं ना गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में गया हुआ था, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई और उसका क्लिप इस वीडियो में, ये मैं क्यों डाल रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने सिर्फ उसी वीडियो में ये बनाया है कि ये कॉलेज की खूबसूरती है, कॉलेज प्यारा है, और मतलब कि जो कॉलेज का स्ट्रक्चर है वो प्यारा है, खूबसूरती है, अच्छा रेनोवेट किया गया है। लेकिन कतई ही मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि इधर की तलीम भी काफ़ी अच्छी है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इधर से नहीं पढ़ा, तो ना ही मुझे पता कि इधर की तलीम कैसी है। मुझे सिर्फ ये पता कि ये कॉलेज खूबसूरत है, जो मैंने आंखों से देखा और मैंने वीडियो में दिखा दिया। तलीम के बारे में मैं नहीं कह रहा, मैं खुद पंजाब कॉलेज से पढ़ा हूँ, मुझे इधर का तलीम का नहीं पता, इधर की तलीम कैसी है। और भी कॉलेज हैं, पंजाब कॉलेज, एस्पायर कॉलेज, तो ये सारे जो कॉलेज हैं ना, इनकी तलीम के बारे में मैं नहीं कह रहा, खूबसूरत सारे ही हैं। ये भी कॉलेज वन ऑफ द खूबसूरत ब्यूटीफुल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और इतनी खूबसूरती है, हर जगह फूलों को। ये अभी तो फिलहाल जो मौसम है वो सर्दियों का चल रहा है, इस वजह से वो फूल भी इतने नहीं खिले हुए, दरख्त भी इतने नहीं खिले हुए, नहीं तो इधर बड़ी हरियाली और खूबसूरती होती है। और ये वीडियो बनाने का और ये क्लिप डालने का मकसद ये है कि कमेंट में आके ये ना कहना कि इधर की तलीम तो ऐसी है वैसी है, मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो पता ही कोई नहीं, मैं बस ये एवं आके टांग अड़ाने का मेरा कोई मकसद नहीं है कि इधर तलीम अच्छी है या बुरी है, ये मुझे नहीं पता। तलीम अच्छी हो या बुरी हो इसका मुझे पता ही नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता कि ये देखें जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड की है खूबसूरती, और खूबसूरती मैंने आपको दिखा दिया, तलीम का मुझे नहीं पता। अगर आपने कोई दाखला दूसरा लेना है तो इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी तलीम है, अच्छा है, तो आप आके दाखला दूसरा लें, अपनी मर्ज़ी, आपका अपना डिसीजन होगा या अपने जानने वालों का डिसीजन होगा। मेरा सिर्फ ये है कि ये वीडियो में आप कॉलेज की खूबसूरती देख लें। थैंक यू।